15 घंटे में दूसरी बार एनएमसीएच में बवाल। डीएम के निर्देश पर भी अस्पताल में पुलिस नहीं दे पाई एसएसपी। परिजनों ने फिर किया हंगामा, फिर हड़ताल पर जूनियर डॉक्टर। उम्र कैद काट रही पूर्व विधायक की कोरोना से मौत। अतरी से आरजेडी की विधायक रह चुकी थी कुंती देवी। जेडीयू कार्यकर्ता हत्याकांड में हुई थी सजा। बढ़ती कोरोना महामारी को लेकर जिला प्रशासन सख्त। संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए चलाया गया स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह। गिरिडीह एसडीपीओ ने किया बाजार का जायजा। और बगहा में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार दो लोगों की मौके पर मौत। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए रांची में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत आवश्यक दुकानों को खोलने की सरकार की ओर से अनुमति मिली है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेश गुप्ता ने मुख्यमंत्री की सराहना करते हुए बताया कि सरकार ने अच्छी पहल की है, जिससे झारखंड की जनता को कोरोना संक्रमण से बचने में मदद मिलेगी। ऐसा है कि आज का जो लॉकडाउन है, जिसको आप लॉकडाउन बताइए, 7 दिन का, सरकार उसे कुछ भी भाषा बोल ले, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि ये हम लोगों के बीच जा नहीं सका। गांव में तो पता नहीं कि बंदी है, ठीक है, शहर के अंदर भी पता है, लेकिन जो भर्ती है हॉस्पिटल में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हॉस्पिटल में भर्ती रहने के कारण उनके दोस्त यार उसे मिलने के जा रहे, वो बैक कर रहे रिटर्न निश्चित तौर पर। सरकार बहुत ही गंभीर है, कोरोना में इतनी जाने जा रही है, लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, उससे बचने का ऐसी तरीका है कि आप अपने घर पर रहें। बिना कारण आप नहीं, हाँ कारण आपने देखा होगा बहुत सारे बाजार में लोग संक्रमित होते हैं, जहाँ पर बहुत क्राउड और डेंस पॉपुलेशन है, तो ये चैन तोड़ने का एक तरीका है। 10 दिन होगा फिर हो सकता है, उसके बाद सरकार फिर निर्णय लेगी, फिर 5 दिन 7 दिन बढ़ेगा, तो ये चैन टूटेगा और लोग स्वस्थ होंगे। डरना भी नहीं है, डराना भी नहीं है। कोरोना को हराने के लिए आप अपने घरों पर रहें और सुरक्षित रहें। लेकिन जिस तरह का ये आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है, इससे चैन कितना टूटेगा? देखिए दो बातें मैं बताऊँगा, सरकार की या हमारी पार्टी की ऐसी निर्णय, जीवन और जीविका दोनों चले, इसको कैसे बचाए। लेकिन सवाल वही है ना कि जीवन बचेगा तभी तो जीविका चलेगी। बिल्कुल, और अगर जीवन बचा लिया जीविका बंद रहा तो सड़कों पर निकल कर फिर मांगना चालू करेंगे लोग। बिहार सरकार कोरोना संक्रमण के रोकथाम में फेल होती दिखाई दे रही है। सरकार की सहयोगी पार्टी बीजेपी कोरोना के दांत खट्टे करने का दावा कर रही है। सत्ताधारी दल के नेताओं के बड़े बड़े बयान सामने आ रहे हैं। इसी बीच बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि जिस तरह से 80 साल की उम्र में बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे, उसी तरह हम लोग भी कोरोना के दांत खट्टे करेंगे। आज बिहारी स्वाभिमान और अस्मिता के प्रतीक बाबू वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव दिवस है। बिहार आज उस दिवस को, इस कोरोना संकट में कोरोना से बिहार को बचाने के चैलेंज के रूप में मना रही है। हम सब अपने मन में बाबू वीर कुंवर सिंह को याद करके कोरोना जैसे भयंकर महामारी में हम अपने आप को, मानवता को और बिहार को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज वही समस्तीपुर के उजियारपुर में भाकपा माले ने धरना दिया। ये धरना उजियारपुर हरपुर रेवाड़ी पंचायत में ट्रांसफार्मर नहीं लगने के कारण दिया गया। वहीं इस दौरान हरपुर रेवाड़ी पंचायत में अविलंब ट्रांसफर लगाने, विद्युत आपूर्ति बहाल करने और लो वोल्टेज की समस्या दूर करने और अवैध बिजली बिल वसूली पर रोक लगाने की मांग की गई। अभी हरपुर रेवाड़ी पंचायत के वार्ड नंबर 5 में भाकपा माले के नेतृत्व में यहां पर दर्जनों लोग धरना दे रहे हैं। धरनार्थियों का मुख्य मांग है कि 5 अप्रैल को इस वार्ड में लगे 25 केवी का ट्रांसफार्मर को जेई का दलाल रामलोली राय यहां से हटा करके ले गया। इस आश्वासन के साथ ले गया कि यहां पर 63 केवी ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे, लेकिन आज 18 दिन बीतने के बाद भी इस वार्ड में
ट्रांसफार्मर नहीं लगाए गए हैं। अरे अविलंब ट्रांसफार्मर लगाना होगा। वहीं कोरोना संक्रमण का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं भाकपा माले विधायक विनोद सिंह ने सकारात्मक पहल कर बागोदर सीएचसी को 3 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर और 1 एसी उपलब्ध करवाया है और उनका यही कोशिश है कि व्यवसायियों के सहयोग से सार्थक हो पाए। सचेत रहे और इस विपरीत स्थितियों में भी लोगों के सहयोग से ही चीजें बेहतर हो सकती है और हम सब लोगों की कोशिश थी कि बगोदर में अभी 50 बेड भी लगे हैं जिसमें 10 बेड में ऑक्सीजन की भी व्यवस्था है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी बार बार हर जगह हो रही है। तो बगोदर में है, सरिया में भी इमरजेंसी के लिए रखवाया गया है, इसके अलावा बिरनी में भी है। जो निजी हॉस्पिटल हैं यहाँ मान्यता प्राप्त सरकार से, उनके पास भी बेड है। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री के द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लगाया गया है, जिसको लेकर गिरिडीह के एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह और एसडीएम ने संयुक्त रूप से सड़कों का जायजा लिया और खुली दुकानों को बंद करवाया। मद्देनजर झारखंड सरकार के आदेशानुसार सरकार द्वारा जिस भी दुकानों और जिस भी स्कूलों को लॉकडाउन या फिर बंद होने से रोका गया है उसके सिवाय सभी दुकानों को बंद कराया जा रहा है। आने जाने सभी व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है और सभी को निर्देश दिया जा रहा है वो अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। वहीं कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए सूबे के मुख्यमंत्री की ओर से लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन लोगों की ओर से लगातार लापरवाही देखने को मिल रही है, जिसको लेकर थानदला पुलिस सख्त हो गई है और बेवजह बाजार में घूमने वालों पर कार्रवाई कर उन्हें हिरासत में ले रही है। पैंतालीस साल के राजकुमार शर्मा, जिनका इलाज IGIMA में चल रहा था, अचानक से उनके लापता होने की खबर मिली। परिवार वालों ने बहुत छानबीन की लेकिन राजकुमार का कोई पता नहीं चल सका। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शास्त्री नगर थाने में मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित परिवार राजकुमार शर्मा के लापता होने की पूरी जानकारी देते हुए उनके शव कुशल घर वापसी की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि राजकुमार शर्मा का एक्सीडेंट हो गया था और जिनका इलाज अस्पताल में पिछले एक सप्ताह से चल रहा था, मगर 19 अप्रैल को अचानक से वो लापता हो गए। राजकुमार शर्मा इनका नाम हुआ, ये इलाज कराने आए सीतामढ़ी महसौल ग्राम के निवासी हैं। IGMS में एक महीना पहले इलाज हुई, फिर डॉक्टर यहाँ से रेफर कर दिए कि जाइए 20 दिन के बाद आइएगा। 20 दिन के बाद यहाँ आने पर हॉस्पिटल के अंदर एक दिन पहले चले आए 19 तारीख को, और 19 तारीख को 12 बजे रात में सभी आदमी सोए हुए थे और ये उठ के चले गए। बिहार में कोरोना की रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हाथ जोड़ना पड़ रहा है तो कभी इश्तेहार छापना पड़ रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से पूरे इश्तेहार पर देखिए पटना से कुमार गौतम की ये रिपोर्ट। बिहार में कोरोना की रफ्तार बहुत तेज है, इस तेज रफ्तार से बचने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब अपील करते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, तस्वीरों में देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाथ जोड़कर ये अभिनंदन कर रहे हैं जनता के बीच कि मिलकर संग कोरोना से जीतेंगे जंग। जी हाँ, कोरोना की ताज़ा आंकड़े इस वक्त बता रहे हैं कि 10,000 प्रतिदिन बिहार में
कोरोना के आंकड़े हैं, मरीजों की तादाद बढ़ रही है, मृत्यु दर बढ़ गया है। ऐसे में एकमात्र विकल्प यही है कि अब जागरूकता फैलाकर ही आम लोगों को सजग किया जा सके। राजधानी पट्टा के बेली रोड का ये नज़ारा है, आप देखिए। पट्टा का बेली रोड सबसे लंबा रोड माना जाता है और यहाँ आने जाने वाले जो लोग हैं उन लोगों की भी नज़रें पड़ जाती है, और जो लोग देख रहे हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या लगता है कोरोना की जो स्थिति है कितनी खराब है। बहुत ज़्यादा खराब है। क्या इस मैसेज के जरिए क्या कोई प्रभाव पड़ता दिख रहा है? यही कि आदमी बाहर निकल नहीं रही है, बहुत डरा हुआ है कि बाहर निकलेंगे बीमारी फैलेगी। इसी का देखिए गाड़ी पर रोड पर गाड़ी नहीं चल रही है, बीमारी बढ़ता ही जा रहा है। इतना बीमारी है कि लोग बहुत डरा हुआ है, बीमारी बहुत डर बहुत ज़्यादा हो गई है। मुख्यमंत्री हाथ जोड़ करके अपील कर रहे हैं, प्रभाव पड़ेगा उसका? कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, नहीं कुछ कर नहीं रहे हैं, खाली बंदी यही सब कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो आखिर कैसे बचा जाएगा बताइए? अपने से आप सुरक्षा रहना चाहिए, अपने से आप सुरक्षा। तो ये बता रहे हैं बेली रोड की ये तस्वीर, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाथ जोड़कर अब विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि अब यही एकमात्र सहारा है मास्क, मिलकर संग कोरोना से जीतेंगे जंग, लगाएं मास्क, हाथ रखे साफ, रखे दो गज की दूरी, भीड़ से बचे, लगातार ये कहा जा रहा है भीड़ से बचे, नंबर आने पर टीका जरूर लगाएं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, आपकी उम्र टीका लेने की है, तो आप ज़रूर नंबर लगा लें टीका। इसके साथ ही लक्षण दिखने पर जांच कराएं, लक्षण अगर आप में थोड़े से भी पाए जा रहे हैं कोरोना को लेकर के तो आप जाँच जरूर कराएँ, ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अब बिहार को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक उपाय है, वो है सतर्कता। यदि सतर्कता नहीं बरती जाएगी तो शायद बिहार की जो स्थिति है वो और भी भयानक और खतरनाक होती जाएगी, क्योंकि अस्पताल में बेड की संख्या कम पड़ गई है, वेंटिलेटर की संख्या कम पड़ गई है, ऑक्सीजन की संख्या कम पड़ गई है। इसलिए मेरे प्यारे बिहारवासियों, अगर आप भी इस खबर को देख रहे हैं तो आपसे भी अपील है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो अपील कर ही रहे हैं, हम भी आपसे अपील करते हैं कि आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजिंग का प्रयोग करें और बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें। सहयोगी सप्तऋषि के साथ कुमार गौतम, वीआईपी न्यूज, पटना। समस्तीपुर भामाशाह के जन्मदिन पर व्यवसायी समाज के लोगों ने उनका जन्मदिन बड़े ही सादगी से मनाया। समस्तीपुर शहर के मारवाड़ी बाजार स्थित भामाशाह की प्रतिमा पर माला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर वैश्य समाज सहित दूसरे समाज के लोग भी मौजूद रहे। हमारे भामाशाह जी का 522वां जयंती है और इस अवसर पे हम व्यवसायियों लोग को सबसे बड़ा गर्व की बात ये होती है क्या कि हम व्यवसायियों के लिए मार्गदर्शक हैं, क्योंकि जब भी विपत्ति देश पे आई है तो कहीं ना कहीं शक्ति के साथ साथ धन की भी आवश्यकता होती है। तो वो हमारे व्यवसायी समुदाय के जो भामाशाह जी थे, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति देश के लिए निछावर किए थे। माननीय महाराणा प्रताप जी जो हमारे थे, आज वो विजय हुए, जो आज हमारे देश की रक्षा हुई, जो हमारा देश भारत बचा हुआ है। अगर भामाशाह जी नहीं होते तो शायद ये देश नहीं होता, और इनका ये देश के प्रति बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब आपने देखा होगा कि राणा प्रताप जी हारने लगे थे, तब इन्होंने अपना सारा कुछ दान उनको दे दिया था और कहा कि आप इस देश को जीतिए, जैसे है हमारे भामाशाह जी और उन्हीं के हम लोग वंशज हैं। आज हमें उनको मार्गदर्शन करते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हम ऐसे पूर्वज के अपने अनुयायी हैं। आज क्या है उनका? आज उनका जन्मदिन है। कैसा जन्मदिन है? शाहजहांपुर के पूर्व मंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा का दिल्ली में इलाज के दौरान निधन हो गया। इस निधन से शाहजहांपुर जिले में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं कई नेता और स्थानीय लोगों ने उनके आवास पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। माननीय राममूर्ति सिंह वर्मा, एक हमारे जिले के कद्दावर गरीब दलित पिछड़े समाज के लोगों के मसीहा थे,
और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे। वो कई बार मंत्री रहे, विधायक रहे, सांसद रहे। एक बड़ी राजनीतिक क्षति हुई है समाज, इससे मेरा शोक संवेदना है पूरे परिवार के लिए। आज जनपद शाहजहांपुर की पूरी समाजवादी पार्टी गहरे शोक में है और हमारे बहुत बड़े कद्दावर नेता, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री जनाब रामनृत्य सिंह वर्मा जी, जिनका लंबी बीमारी का निधन हो गया है, और पूरी समाजवादी पार्टी शोक में है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को सूचना दे दी है और उनकी तरफ से भी गहरा दुख, उनको भी पूरी पार्टी को गहरा दुख पहुंचा है कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और संस्थापक सदस्य हमारे जनपद शाहजहांपुर के समाजवादी पार्टी, हमने एक बहुत बड़ा नेता खो दिया है जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल। सीतापुर के हरगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भट्टपुरवा में प्रधान पद के चुनाव को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे बरसे। इस मारपीट में दो लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। दोनों पक्षों ने थाने में आवेदन दे दिया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हमारे ऊपर धन्यवाद मांगने गए थे, अब तो नहीं गए थे, किसको उसी बात पे गाली गलौज करने लगे। वो डंडा लेकर आए थे तो हमारे परिवार पे वो डंडा से मारने का प्रयास किया, हम बचाव कोशिश की तो दूसरे लड़के ने हमारे ऊपर डंडा मार दिया। कितने डंडा मारा? दो डंडे। तो कहा कि तुम क्यों वोट मांगने गए थे। समस्तीपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों और नर्सों के नदारद होने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद मरीज के परिजनों ने खुद ही मरीज को ऑक्सीजन लगाया था। इस खबर को वीआईपी न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद आज का नजारा बीते दिन से बिल्कुल अलग दिखाई दिया। अस्पताल में डॉक्टरों के साथ साथ नर्सें भी उपस्थित दिखी। वहीं बीते दिन की तरह इस दिन भी लापरवाही की तस्वीरें सामने नहीं आई। इस दौरान खास बातचीत की डॉक्टर से हमारे संवाददाता केसर खान ने। अस्पताल मुर्दीबा, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुर्दीबा के पास मैं मौजूद हूं और मैं आपको बताता चलूं कि कल यहां एक ताजपुर से जो पेशेंट आई थी, अंजलि देवी 50 वर्षीय महिला थी और जिनका 12 दिनों से जो है खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उनके जांच किया गया। जांच के दौरान उन्हें पाया गया कि वो कोविड पेशेंट है, जिसको लेकर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुर्दीबा, जो आप मेरे पीछे की ये तस्वीर देख सकते हैं, यही उनको भर्ती कराया गया था और लगातार जो है उनका तबियत बिगड़ता ही जा रहा था। मगर बात यह रही कि यहाँ एक भी डॉक्टर जो उन्हें देखने के लिए नहीं थे, उनके परिजनों द्वारा उनको ऑक्सीजन लगाया गया और बताया जाता है उनके परिजनों द्वारा कि वो शाम तक यहाँ रहे हैं, मगर लास्ट में जो डॉक्टर आए हैं उन्होंने देखा भी नहीं, ना किसी ने स्टाफ ने देखा। और उन्हें पूछा गया कि क्या हालात है, उनसे पूछा गया और उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन लेवल जो है वो 84 के पार है। इसी को देखते हुए बिना देखे हुए डॉक्टर ने 84 का पार का ऑक्सीजन का लेवल सुनते ही उन्हें यहां से रेफर कर दिया और अभी वो डीएमसीएच में एडमिट है। हालात क्या है मैं आपको दिखाना चाहता हूं। समस्तीपुर के ये जो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहां जिलाधिकारी द्वारा जो है स्पेशल वार्ड, कोविड स्पेशल वार्ड बनाया गया था और लगातार जो है कोविड के पेशेंट के लिए उनकी अच्छी सुविधा के लिए यहाँ उन्हें बनाया गया था। मगर हालात ये थे कि यहाँ डॉक्टर की कमी थी। सरकार जो है इस खबर को वीआईपी न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया और इसका असर ये रहा कि आज जो है डॉक्टर साहब पीएससी के अंदर मौजूद है। हम बात करना चाहेंगे, डॉक्टर साहब बताएंगे कल एक पेशेंट आया था, उन्हें कोई देखने वाला नहीं था और ऑक्सीजन लेवल उनकी कमी के कारण यहाँ से रेफर कर दिया। क्या मामला था सर? ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्सीजन सिलेंडर पर हम लोग सपोर्ट दे रहे थे, उनको हाई प्रेशर की जरूरत थी जिसके वजह से यहाँ से उनको ट्रांसफर किया गया हाईवे सेंटर पे। तो क्या यहाँ आप लेट से आए, बताया जा रहा है कि डॉक्टर साहब नहीं थे, कोई देखने वाला नहीं था। पैरामेडिकल सारे स्टाफ थे यहाँ, सारे लोगों ने उनको ऑक्सीजन किसने लगाया? डॉक्टर ही, पैरामेडिकल स्टाफ ने लगाया ऑक्सीजन। डॉक्टर्स कुछ व्यवस्था के वजह का चार्ज में पूरे ब्लॉक का चार्ज उनके ऊपर है, प्रभारी थे, प्रभारी इंचार्ज, तो उनको थोड़ा लेट हुआ आने में। बाकी फोन पर टेलीफोनिक सारा चीज अरेंज हो गया था उनका। परिजनों का कहना था कि उन्होंने खुद से ऑक्सीजन लगाया, कोई स्टाफ उन्हें नहीं देखा था शरीर। नहीं नहीं, बताया गया है उनको ऑक्सीजन खुद से कैसे लगा लेंगे, ऑक्सीजन को खोलना है, सैचुरेशन देखना है, सारा चीज उनको करके दिया गया यहाँ। चलिए, आपका क्या स्थिति है अभी, कितने पेशेंट यहाँ है सर? अभी तो एक भी पेशेंट नहीं है यहाँ। तो आप कैसा यहाँ, क्या क्या कुछ व्यवस्था की गई है सर? सारे 15 बेड है यहाँ,
सारे बेड पे ऑक्सीजन लगे हुए हैं, पल्स ऑक्सीमीटर हर मरीज के लिए अलग अलग है, मेडिसिन की व्यवस्था है। और डॉक्टर साहब के कितने की संख्या में यहाँ नियुक्त किया गया सर? यहाँ 6 की संख्या में डॉक्टर हैं, 24 घंटे 24 आवर रोटेशन ड्यूटी है यहाँ। क्या नाम हो सर? डॉक्टर एस ए रहमान जी। इनका बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि अब जो है लगातार जो है कि डॉक्टर की कमी इस हॉस्पिटल में नहीं होगी, लगातार डॉक्टर जो है जो मरीज है उनका देख रेख करेंगे, उनके स्वास्थ्य के लिए हमेशा काम करते रहेंगे। वीआईपी न्यूज के लिए समस्तीपुर से कैसर खान। लहर से तबाही मची हुई है, लेकिन लोगों के द्वारा लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिलती है। ऐसे में सामाजिक संगठनों ने लोगों को कोरोना से जागरूक करने का जिम्मा उठाया। वहीं भारतीय मजदूर संघ ने जीपीओ गोलंबर पर मास्क वितरण अभियान चलाया और कई लोगों को मास्क वितरित किए। इसके साथ ही लोगों से जागरूक रहने की अपील भी की। तो मास्क वितरण अभियान चलाया गया। जिस तरीके से लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, ऐसे में मास्क लगाना बहुत जरूरी है और इसके लिए कई सामाजिक जो संगठन है वो सामने आ रहे हैं। ऐसे में पटना में भी एक सामाजिक संगठन ने लोगों को मास्क वितरण किया और इसके साथ ही लोगों से अपील की कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और इसके साथ ही मास्क लगाएं और ज़्यादा ज़रूरी होने पर ही अपने अपने घरों से निकलें। प्रयागराज में जिला प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां कोरोना संक्रमण से मरे लोगों की अंतिम संस्कार की जगह सुनिश्चित की गई है, तो वहीं मृत शरीर को ठीक से जलाया भी नहीं जा रहा। वहीं अब ये देखना अहम होगा कि जिला प्रशासन इस लापरवाही को कब तक सुधारती है। तो जिला प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही यहां देखने को मिली है, जहां पर अंतिम संस्कार की जगह सुनिश्चित की गई, वहीं मृत शरीर को ठीक से जलाया भी नहीं जा रहा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कब तक जिला प्रशासन इस लापरवाही को सुधारता है। ठीक से अंतिम संस्कार नहीं किया जा रहा है, शवों को पूरी तरीके से नहीं जलाया जा रहा है, जिससे कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। तो ऐसे में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। शेखपुरा में सदर थाना अंतर्गत महारानीपुरम से उत्पाद विभाग की टीम को सूचना के आधार पर एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने छापेमारी कर 29 कार्टून विदेशी शराब बरामद की है। रात्रि गश्ती में गए थे इधर, हम लोग मेउस मोड़ के तरफ महारानीपुरम जगह है, तो एक सूचना मिला था गुप्त सूचना कि इधर कुछ मैंने झाड़ी में कुछ रखा हुआ है, मैंने अंदाज के रूप में शराब का ही कार्टून शायद रखा हुआ है। तो हम लोग को सूचना टीम बना करके रवाना हुए, तो रात हो गया था चूँकि 9:30 बज गया था। तो झाड़ी में टॉर्च से हम लोग सर्च किए, दानापुर के आरपीएस मोड़ के बैंक कॉलोनी लेन नंबर 10 में एक पंडाल डेकोरेटर के गोदाम में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि गोदाम के ठीक सटे नव्या इनक्लेव अपार्टमेंट के लोग दहशत से बाहर निकल आए। ऐसा बताया जा रहा है कि आग गोदाम के ऊपर हाई टेंशन लाइन से चिंगारी गिरने से लगी। अग्निशमन गाड़ी आने के बाद आग पर काबू पाया गया। इसके पूर्व बगल में अपार्टमेंट के लोगों ने अपार्टमेंट के मोटर से पानी लेकर आग बुझाने की कोशिश की। इस पूरी घटना में लाखों रुपए के नुकसान होने की संभावना है। गोदाम में गई और गोदाम से आग लग गई,
आप लोग क्या किए? आपका अपार्टमेंट बगल में है। हम लोग जितनी व्यवस्था करनी थी अपने पानी वगैरह की, हम लोगों ने व्यवस्था किया। ताला बंद था, बंद एक ताला नहीं तो सूचना दिया गया, ताला पकड़ लिया। करते करते बाहर नहीं फट रहा है, छोटा वाला आया, बड़ा वाला आने की जगह नहीं था, इसके कारण से भपक कर लग गया। कितना का नष्ट हुआ होगा? कम से कम नहीं तो 10 लाख का नष्ट हुआ होगा। पंडाल डेकोरेटर के गोदाम में भयंकर आग लगी। हालांकि सूचना इसकी दमकल विभाग को दी गई, लेकिन दमकल विभाग इस आग पर काबू पाने में विफल दिखाई दिया। ऐसे में स्थानीय लोगों ने आसपास से पानी लेकर इस आग पर आग को बुझाया। दानापुर की पूरी घटना बताई जा रही है और इस आग में लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। इसके साथ ही आसपास के जो अपार्टमेंट के लोग थे वो भी दहशत से भर गए और अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। दानापुर की ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, किस तरीके से आग लगने से धुएं का गुबार आसमान में बढ़ता दिखाई दे रहा है और लगातार इस तरह की घटनाओं से इलाके में हड़कंप मच गया है। दानापुर की ये तस्वीरें, पंडाल डेकोरेटर के गोदाम में चिंगारी गिरने से आग लगी। बताया जा रहा है कि हाई टेंशन तार की चिंगारी गिरने से ये आग लगी थी। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।